आप सभी का स्वागत है सरजी क्लासेस में। तो देखिए, जो एनटीपीसी की तरफ से एक स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाली गई थी फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का, तो इनका देखिए यहाँ पे जो है रिजल्ट आपका जारी किया हुआ है। मतलब जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है और जिनको आगे का प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, तो उनका लिस्ट इन्होंने जारी किया हुआ, और साथ में गेट का जो कितना कट ऑफ गया है, मतलब कौन से कैंडिडेट है जो सेलेक्टेड हुए हैं, वो कट ऑफ मार्क्स भी इन्होंने जारी किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जो कट ऑफ है आपका गेट का, जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट का, तो आप इसमें देख सकते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। तो देखिए, इस पीडीएफ को ओपन करने के बाद जो है इसमें आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, जो कि ये रिक्रूटमेंट निकाला गया था एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए था सिर्फ इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि जो गेट का ऑल इंडिया रैंक, मतलब जो कट ऑफ है वो कितना गया हुआ है, कट ऑफ मार्क्स आपका कितना गया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूअर कैंडिडेट जो है, तो उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स गया हुआ है आपका 71.33। ये देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए है, और यहाँ पे जो गेट का मतलब ऑल इंडिया रैंक जो है वो कट ऑफ कितना तक था, तो 204 रैंक तक के लिए जो है इन्होंने लिया हुआ है। और बाकी देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं, तो इनका देखिए जो कट ऑफ गया हुआ है वो 70 है, और ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए 66.33 है, और एससी के लिए 57, और एसटी के लिए 60.33 है। और बाकी देखिए मैकेनिकल ब्रांच से जो भी फीमेल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है, तो उनका भी यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है। तो जनरल कैंडिडेट, तो उनका देखिए कट ऑफ मार्क्स जो है तो वो 75.35, और बाकी देखिए जो ईडब्ल्यूएस के लिए वो 74.99 है, और 70 है, 70.08 है, यह है ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए, और एससी के लिए 65.83 और 56.01 है ये एसटी के लिए। और फिर इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए भी जो कट ऑफ निकाला गया है गेट का, तो वो है 64.67, ये है यूआर कैंडिडेट के लिए, और 59 है, यह है आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 56.33 है ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए, एससी के लिए 59.67 है, और 40.33 एसटी के लिए है। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स गया हुआ इसका, तो वह 59.67, और इसके अलावा जो ओबीसी है उनके लिए 59.67 कट ऑफ दी गई। तो यहाँ पे जो भी वैकेंसी है, मतलब जो 50 जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड है, तो उनका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कट ऑफ मार्क्स, मतलब कट ऑफ गेट में आपका कितना था, कितना जो है इतना नंबर वाले को लिया गया हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ में लिस्ट भी दिया हुआ है, मतलब जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है तो उनका भी लिस्ट दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं लिस्ट में दिया हुआ है वे सारे कैंडिडेट का जिनका जो है सिलेक्शन किया गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं जितना पोस्ट इसमें 50 आपका टोटल आया हुआ था, तो इसमें आप देख सकते हैं डिसिप्लिन वाइज, और साथ में जो एप्लीकेशन नंबर आपका कितना था, और साथ में गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इससे आप मैच करके देख सकते हैं। ये सारे वो कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि पोस्ट आपके निकाला गया था एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का। तो इसमें देखिए जितनी भी आपके वैकेंसी थी टोटल 50, तो यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज सभी का दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसमें चेक कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर, और साथ में जो गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आप इसमें मैच कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे सभी डिसिप्लिन वाइज दिया हुआ है टोटल 50 वैकेंसी का, तो ये कुछ दिया हुआ है सभी का लिस्ट, और कट ऑफ मार्क्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, और जिनका भी हो चुका है सिलेक्शन, तो वो जो है अपना नेक्स्ट स्टेज यानी डीवी के लिए जो है आप लोग तैयार रहे उसके लिए। और भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।